हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो अपना जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट होता क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। मीन जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी स्प्लिटिंग, मान लीजिए एक स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसकी स्प्लिटिंग इन स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर हो रही है, तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अपन बाहर से अप्लाई करते हैं उसकी प्रेजेंस में, तो ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाएगा? जीमैन इफेक्ट। और जीमैन इफेक्ट कैसे होता है? एक तो मैग्नेटिक मोमेंट के इंट्रैक्शन से और जो अप्लाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड उसके इंट्रैक्शन से, तो जो इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा ई इंट्रैक्शंस का, वो देखिए माइनस म्यू डॉट बी। मीन्स म्यू क्या है? अपना मैग्नेटिक मोमेंट है और बी क्या है? अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर जो लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो किस किस के अंदर टूटेंगी? तो उनके लिए जो जे वैल्यू होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो मान लीजिए जो पहली जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसके लिए जे क्या है? जे है, ठीक है, उसके लिए वैल्यू क्या है? जे। और ये किस में टूटेगी? 2j+1 के अंदर, ठीक है। कैसे टूटेगी वो अपन आगे देखेंगे कैसे ये स्प्लिट होती है। तो इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा एम जे इक्वल्स टू क्या होगा? 0 ± 1। तो जे की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको देखना है कि 0 ± 1 इसके अंदर क्या होगा सिलेक्शन रूल। तो अपना क्या है कि जीमैन इफेक्ट होता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट और दूसरा होता है एनामोलस जीमैन इफेक्ट। तो जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट होगा उसके अंदर जो जीमैन ट्रांजिशंस होंगे वो सिंगलेट टर्म्स के अंदर होते हैं ओनली, जबकि जो एनामोलस जीमैन इफेक्ट होगा उसके अंदर जो ट्रांजिशंस होंगे वो हायर मल्टीप्लिसिटी टर्म्स के अंदर होंगे, जैसे डबलेट ट्रिपलेट। तो देखो ये ट्रांजिशन है बिटवीन 1p1 से कितने 1d2, अलाउड है या फॉरबिडन, इसके लिए अपने को सिलेक्शन रूल फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो सारे के सारे रूल्स पता होने चाहिए जो मैंने पहले के वीडियोस में बता रखा है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सिलेक्शन रूल थे वो एक रफली बता देती हूँ एक बार। जो पहला जो सिलेक्शन रूल होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर वो होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। मीन्स डेलेस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होंगे, डबलेट से डबलेट में ट्रांजिशन होंगे। सेकेंड जो है वो है डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ±1, ठीक है। डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ±1, ±1, ठीक है। मीन्स एस से पी में ट्रांजिशन अलाउड होंगे, पी से डी में ट्रांजिशन अलाउड होंगे और डी से एफ में ट्रांजिशन क्या होंगे? अलाउड होंगे, लेकिन एस से डी में ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगे। जो थर्ड जो रूल है वो है डेल्टा एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? एनीथिंग, मीन्स कुछ भी हो सकता है। और फोर्थ जो रूल है वो है डेल्टा जे, वो क्या होना चाहिए? 0 ± 1। तो सबसे पहले इनके अंदर स्प्लिटिंग देखने के लिए सबसे पहले इन टर्म्स के अंदर क्या देखेंगे अपने को? अलाउड या फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा वो चेक करना है। तो देखिए लिए इसके अंदर क्या है? सिंगलेट है, ये भी क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट है। सो सिंगलेट से सिंगलेट में ही क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। मीन्स डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। तो ये क्या है? रूल फॉलो हो रहा है। थर्ड देखिए पी से डी में, मीन्स पी से डी में, तो पी से डी में होता है अलाउड ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जे की वैल्यू कितनी है? 1 और इसके अंदर कितनी है? 2। तो जे डेल्टा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मीन्स 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। मीन्स 1 ± 1 हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कौन सा ट्रांजिशन है? अलाउड ट्रांजिशन है। अब इसके अंदर स्प्लिटिंग देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए स्प्लिटिंग देखिए 1p1 से 1d2 मीन्स अलाउड ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे वो टर्म, तो 1p1 और ऊपर की तरफ क्या होगी? 1d2। और ये क्या है? अपनी एनर्जी इधर की से इधर की तरफ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जब मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है बी वो क्या हो? 0 हो, तब क्या है ये इसमें कैसे ट्रांजिशन होंगे? तो सिर्फ एक ट्रांजिशन होगा, ठीक है, एक स्प्लिटिंग लाइन अपने पास में आएगी, वो ये आएगी, ठीक है। ये अलाउड ट्रांजिशन है। सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना, ये जब होगा तभी तो आगे ये लाइन स्प्लिट होंगी। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अपन अप्लाई करते हैं बाहर से, मीन्स अब अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अपन ने अब 0 है ही नहीं, क्योंकि अपन ने इसके ऊपर क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है।
अब अपने का वो जो रूल है वो क्या होगा, जे से 2j+1 के अंदर क्या होंगी, लाइंस स्प्लिट होंगी। तो देखिए इसके अंदर जे की वैल्यू क्या है, 1, तो इसके लिए जे की वैल्यू क्या है, 1। तो ये 2j+1 के अंदर तो 2 × 1+1 मीन्स 3 लाइंस के अंदर क्या होगी, ये स्प्लिटिंग होगी। और 3 लाइंस क्या हो सकती हैं, +1, 0, -1। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी अपन स्प्लिटिंग करेंगे और लाइंस जब अपन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले माइनस जो वन होगा जे की वैल्यू वो पहले लिखेंगे, उसके बाद में जीरो और लास्ट में प्लस जो जे होगा वो वाला लिखेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा अपना, +1 आएगा। नेक्स्ट देखिए 1d2 के अंदर जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 × 2+1 तो कितनी, 5 लाइंस के अंदर क्या होगा, ये स्प्लिट होगा। तो 5 लाइंस कैसे स्प्लिट होंगी, -2, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। तो सबसे पहले माइनस अपनी जो जे की वैल्यू जो माइनस है वो वाली अपन पहले ड्रॉ करेंगे। तो देखिए -2, -1, 0, +1 और ये +2, तो ये लाइंस की स्प्लिटिंग होगी। अब इसके अंदर किसके अंदर सेलेक्ट मतलब अलाउड ट्रांजिशन कौन सी लाइंस के बीच में होगा और किस में अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा, उसके लिए अपन ने सिलेक्शन रूल जो पढ़ा है वो MJ = क्या पड़ा है, 0 ± 1, MJ = ±1। और ये जो वैल्यूज आई हैं अपने लिए क्या है, किसकी आई है, MZ की, तो इनके अंदर अपने को ट्रांजिशन कराना है। तो देखिए जब भी सेम साइन के जो ट्रांजिशन अपने देखेंगे, जैसे मान लीजिए -1 से -2 में जा रहा है, किस में जा रहा है, -1 से -2 में, तो आपस में क्या होंगे, ये माइनस होंगे। जब भी सेम साइन होंगे तो वो माइनस होंगे और जब अपोजिट साइन होंगे तो प्लस होंगे। इस तरीके से अपन इजी वे में उनके अंदर ट्रांजिशन और सिलेक्शन रूल चेक कर सकते हैं। तो देखिए -1 से -2 में जा रहा है, मींस अपने इसमें क्या करना है, माइनस माइनस, इसका मतलब एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -1। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है, +-1 होता है। इसका मतलब -1 से -2 के अंदर जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, अलाउड होगा। -1 से -1 में ये भी एक दूसरे से माइनस होंगे, मीन्स सेम साइन है इसलिए माइनस हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये भी ट्रांजिशन क्या है, जो है वो अपना अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो -1 से 0, तो इसमें तो -1 आएगा ही आएगा, तो ये वाला ट्रांजिशन भी अपना क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 0 से, अब 0 से -1 में अलाउड होगा क्योंकि -1 आएगा, 0 से 0 में अलाउड होगा क्यों, क्योंकि 0 आएगा, और 0 से +1 के अंदर जब जाएंगे तो भी वो भी क्या अलाउड हो, क्या होगा, ट्रांजिशन अलाउड होगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा, +1 आएगा। जो थर्ड जो है वो +1 से, अब +1 से -2 में जाएंगे तो अपोजिट साइन है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। +1 से -1 में जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। +1 से किस में जा सकते हैं अपन, 0 में जा सकते हैं, इसमें क्या होगा, ये अलाउड होगा। +1 से +1 में जाएंगे, सेम साइन है तो ये भी क्या होंगे, माइनस होंगे, तो ये भी क्या होगा, अपना ट्रांजिशन अलाउड होगा। +2 + 1 इसमें भी क्या होगा, ट्रांजिशन अलाउड होगा क्योंकि सेम साइन है, तो क्या होगा, +1 आएगा इसमें सिर्फ, तो ये वाला ट्रांजिशन भी क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, टोटल ट्रांजिशंस कितने हो गए अपने, ट्रांजिशंस कितने आए हैं, 9, और 3 जो ट्रांजिशन है वो एक लाइन बनाती है, इसका मतलब लाइन जो कितनी आई है वो कितनी आई है, 3। ओके,